आई हूँ काजल और आज मैं आप लोगों को जो मतलब प्लेस घुमाने के लिए ले चल रही हूँ ना वो है रांची से कुछ अप्रॉक्स 86-87 किलोमीटर दूर चांडिल डैम। सो आप लोगों को भी हम लोग उस जगह को दिखाते हैं और चलते हैं। हम लोग चांडिल डैम पहुँच चुके हैं और ये जो है यही रास्ता जाता है चांडिल डैम की ओर। आप और इधर का व्यू देख कर आपको ना बोटिंग वगैरह करने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं क्या है चांडिल डैम और क्या व्यू है वगैरह, जो भी हो सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है चांडिल डैम और ये नीचे आपको स्वर्णरेखा रिवर दिख रही है बहते हुए। और मेनली ये जो है ना ये अभी मतलब डैम के पास है, उधर साइड में पूरा जो भी आपका फन एक्टिविटीज वगैरह होता है असल जो डैम का व्यू है ना उस साइड में डैम की तरफ निकलते हैं हम लोग भी। डैम पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो यही है चांडिल डैम। और यहाँ एंटर करने के लिए आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे गाड़ी के पार्किंग के लिए, और बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे। और हाँ, बोटिंग के पर पर्सन 100 रुपीज़ रेट है। अगर आपको बोटिंग करना है तो पर पर्सन 100 रुपीज़ लगेगा। अब हम लोग भी चलते हैं और बोटिंग का आनंद उठाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। और सच बताएं आपको, हमने जब पतरातु में बोटिंग करा था ना तो वहाँ पे बड़ा बोट था और फिर भी उसमें हम लोग को डर लग रहा था। और ये जो है ना मतलब यहाँ पे 4 सीटर बोट ही चल रहा है अभी और इतना छोटा सा और इतना स्पीड लेकर के जा रहा है कि हमको डर लग रहा है जाने में। चांडिल में है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।